नमो नमः। मेरा जब प्रवचन होता है और प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी होती हैं, तो एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी आकाशवाणी क्या है और आकाशवाणी के बारे में हमको बताइए। और ऐसा क्या गुरुजी आप कर सकते हैं कि हम तो ध्यान करेंगे मगर आपकी ओर से हमको कोई सपोर्ट मिले? तो मुझे एकदम प्रभु की जैसे प्रेरणा हुई और मैंने बोला चलो मैं एक सीरीज शुरू करता हूँ आकाशवाणी करके। तो जब आकाशवाणी सुनते हैं तो हमको जैसे शास्त्रों में आकाशवाणी हमने बहुत सुनी है कि ये आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई। अभी मॉडर्न साइंस में आप देखते हैं अभी आधुनिक जमाने में कि भाई ये आकाशवाणी अहमदाबाद है, ये आकाशवाणी दिल्ली है। आप जैसे अभी वो रेडियो भी सुनते हैं वो आकाशवाणी है। अभी आप मेरी बात भी सुन रहे हैं और मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो भी किधर से आ रहा है? वो भी आकाश से आ रहा है, तो ये आकाशवाणी है। तो मेरा जो एक लक्ष्य है कि मानव जीवन है उनमें जो कॉन्शियसनेस को थोड़ा उद्वगति ले जाना है। आई वॉन्ट टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। ऐसे मासिव मास जैसे अभी क्या होता है कि जैसे परिवर्तन होता है तो इंडिविजुअल जैसे परिवर्तन से मैंने सोचा है कि समूह परिवर्तन करूं। और अभी देखो ये माध्यम भी हो गए जैसे यूट्यूब है, फिर ऐसे व्हाट्सएप है, तो मैं मास जैसे इम्प्रूवमेंट करता हूं। तो इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, उसका मैंने नाम रखा है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी क्या होगी? तो आकाशवाणी होगी स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट रहेंगे वो सुनेंगे। फिर आकाशवाणी माताओं के लिए होगी, फिर आकाशवाणी सेल्समैन के लिए होगी, फिर आकाशवाणी जो भी बिजनेस का एरिया रहेगा उनके लिए होगी, फिर आकाशवाणी होगी किसके लिए? तो जो लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग जैसे कोई फिल्म में काम करने जा रहा है तो उनको कॉन्फिडेंस का अभाव है, तो आकाशवाणी फॉर जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस के लिए होगी। फिर कोई लोग जैसे पॉलिटिक्स में रहते हैं तो उनको भी मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को, तो मेरी आकाशवाणी जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए भी होगी। तो अभी ये आकाशवाणी का आप जो मैं समझा रहा हूँ तो आप बराबर समझ लीजिए कि आकाशवाणी क्या है। तो आप देखिए कि अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में जा रही है, मीन्स ब्रेन में जा रही है। तो ब्रेन क्या है? तो अभी आपको मालूम है कि ब्रेन जो है वो इट इज़ ए मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है? तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता और बाजार। राइट हेमिस्फीयर में क्या होता है? तो फंक्शनिंग में अभी बताता हूँ, फंक्शंस ऑफ द राइट हेमिस्फीयर। तो उसमें काव्य, अनुभूति, भाव, कला, प्रज्ञा, आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, मधुरता, ये जो है वो आपके राइट हेमिस्फीयर में होता है। तो जैसे ही मैं मूवमेंट करता हूँ, इफ आई मूव माई लेफ्ट हैंड देन माई राइट हेमिस्फीयर विल वर्क, इफ आई मूव माई राइट हैंड देन माई लेफ्ट हेमिस्फीयर वर्क, ऐसे एक सिस्टम है। अभी दूसरा ब्रेन का क्या है, मैं ब्रेन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे आप मुझे देखते हैं तो आपका ऑक्सीपिटल लोब काम कर रहा है, जब आप सोचते हैं तो आपका एलिब्रेशन ऑफ थॉट सेंटर काम कर रहा है, आप कोई भी काम करते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स काम करता है। अभी हम आगे चलते हैं, अभी बहुत साइंस ने डेवलपमेंट किया है। तो अभी आप एक सब्जेक्ट है वो उसको बोलते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। यदि आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो ब्रेन क्या है ऐसा शेप ले लेता है। तो सोचना बहुत है, सुनना है, सोचना है, देखना है, तो फाइव सेंसेस है। मैं उसे बताता हूँ कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जैसे साइट, स्मेल और साउंड, टेस्ट एंड टच, ये जो फाइव सेंसेस से आपके जो ब्रेन में स्टिम्यूली मीन्स इंफॉर्मेशन जाती है, फिर आप उसके बारे में पास्ट एक्सपीरियंस से वो उसको मैं आपके पास मैप है तो उससे आप कंपेयर करते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं, वो स्टेट बनता है, फिर यू आर टेकिंग एक्शन। सो योर बिहेवियर इज मेन थिंग। तो हम अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर कैसे करें उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वंस यू फायर इट यू वायर्ड, ये जो ब्रेन है ऐसा आपको मैंने एकदम बराबर आपको मैं समझाया। अभी मन के बारे में समझाता हूँ। देखो अभी जो मॉडर्न साइंस क्या बताता है कि कितने मन है, हाउ मच यू हैव माइंड, मनः द्विविधम प्रोक्तम। दो मन है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड भी लोग बोलते हैं,
तो आप कॉन्शियस बोलो और अनकॉन्शियस बोलो, 10% कॉन्शियस है और 90% अनकॉन्शियस है। वही ऋषि मुनियों ने बताया जो मैंने श्लोक बोला, मनः द्विविधं प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। ये जो बातें हैं, तो एक जो मन है और एक अंतर्मन है। अंतर्मन में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहम आता है, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे आपके जो चित्त में आपकी इमेज होती है, यू आर नथिंग बट यू आर बिहेविंग एज पर योर सेल्फ इमेज। तो हमको ये जीवन को बदलना है। मैं चाहता हूं कि ये पृथ्वी पर जो भी आदमी अपना जीवन को बदलना चाहता है, उसी को मैं एक मार्गदर्शक मार्गदर्शन दूं। वो जो मार्गदर्शन रहेगा तो मॉडर्न साइंस में और एंशियंट साइंस का दोनों का कॉम्बिनेशन करके ऐसा ज्ञान दूं को जिससे करके आपका जीवन बदले। तो अभी मैंने मन की बात किया, अभी आता है देखो, एक संस्कृत में श्लोक है, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे मैं जागृत होता हूं, मेरा जो मन है, जक्षमंतम है, वो दूर चला जाता है और कब वापस आता है? तदुसुप्तस्य तथैवैति, जब मैं सो जाता हूं तब। उसका मतलब है, ऋषि मुनि बताते हैं कि ध्यान करो, जागृत में से, स्वप्न में से सुषुप्ति में आ जाओ। तो ये जो बातें हैं, तो गीता में जो 12वां अध्याय है वो भक्ति योग है। उसमें जो 12वां श्लोक है वो बताते हैं कि भगवान बताते हैं, ऐसे भगवद गीता में है कि भक्ति करो, बहुत अच्छा है, श्रद्धा रखो, मगर उससे अच्छा ज्ञान है। आपको ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। बोलते हैं ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, तो ध्यान करो। मेरा एक मित्र था तो गायत्री मंत्र बोलता था, ऐसे ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैंने बोला, अभी गायत्री मंत्र बोलने से क्या होगा? तो बोलते हैं, अच्छी बात है, वो भक्ति है, मगर उनमें क्या होता है, धीमहि मीन्स वी मेडिटेट अपॉन द डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। हम उस परमात्मा का जो तेज स्वरूप है, उसी का ध्यान करता हूं। तो उसमें ध्यान की बात है, तो आपको ध्यान करना है। तो मेरी जो आकाशवाणी होगी वो ध्यान के अनुसंधान से होगी। अभी तीसरी बात आती है कॉन्शियसनेस। ब्रेन के बारे में बताया, फिर मन के बारे में बताया, और फिर चेतना के बारे में बताता हूं। तो कॉन्शियसनेस जो है, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, ये नॉर्मल स्टेट लोगों को मालूम है, मगर जो फोर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसी को तुरियावस्था बोलते हैं, उसको प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अभी श्रावण महीना चलता है, उसमें है तुरियम ते धामम, वो प्रभु का धाम है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थमन्यते स्वात्मा सविग्ने। वो जो फोर स्टेट ऑफ कॉन्शियस, आपको ध्यान करना है। तो जब मेरा वीडियो आएगा, तो जैसे फॉर स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट को ध्यान करना होगा। जैसे मैं अभी बताता हूं कि आप जैसे ही मेरी बात को सुनेंगे, तो सुनने से ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लोग मुझे पूछेंगे, गुरुजी ऐसे कैसे होगा? तो मैं उनको बताता हूं, अभी मॉडर्न साइंस में आप देख लो, वंस यू फायर्ड इट यू वायर्ड इट। वो ब्रेन प्लास्टिसिटी का न्यूरी विज्ञान है। अपने ऋषि मुनि ने तो बताया था कि एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। तो हमको ऐसा समझ में नहीं आता है। तो अभी मेरा सत्संग रोज सुनिए। मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सुनेंगे, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड किया, आपके वहां नोटिफिकेशन आ गया। आपको अनुकूल है तो आप सुनिए, नहीं तो आराम से सुनिए। और देखो, दो प्रकार के संसार में ज्ञान रहता है। एक ज्ञान है मन को शांत करता है, मन को आनंदित करता है, जैसे मनोरंजन होता है, कोई अच्छा सीरियल देख लिया, अच्छा गाना सुन लिया, कॉमेडी शो, वो है मन को शांत करता है। और दूसरा नॉलेज है, वो इंटेलेक्चुअल है। उसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, वो जो मन को जो शांति देने वाला में आप जैसे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर ये जो जीवन को बदलने का है, तो थोड़ा आपको उसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई। तो पुरुषार्थ कीजिए, मेरा वीडियो देखना भी थोड़ा पुरुषार्थ है। तो और आपको मजा भी आ रही है, तो जीवन भी बदल रहा है। तो ऐसा मैंने तीन चीज बताई, पहला ब्रेन के बारे में बताया, मन के बारे में बताया, और कॉन्शियसनेस के बारे में बताया। जैसे आपने सुना है, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखने में चली मैं भी हो गई लाल। वो बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जीवन को बदलने के कितना टाइम लगेगा? एक दिन, हजार दिन, एक जन्म, दो जन्म,
भगवान गीता में बताता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। यदि कोई गुरु से सुनता है, गुरु का मतलब दो होता है, एक तो जो गुरु ज्ञान देता है और दूसरा जो गुरु जिनको उस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, जो एनलाइटन पर्सन है, तो वो जो ज्ञान देता है तो वो सरलता से, क्योंकि उसका परमात्मा के प्रति अनुभव है, वो अनुभव की वाणी बताता हूँ मैं आपको, अनुभव की वाणी बताता हूँ, इसलिए मैं लोगों का जीवन को जल्दी बदल देता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम उस गुरु के पास गए थे, 10 साल साधना किया, कभी कोई बोलता है मैं 15 साल से साधना के, कोई परिवर्तन नहीं आया, और जैसे ही आपके पास आया हमारा जीवन ऐसे ही आपके पास आने से ही बदलता है। अभी करने की बात तो दूर रही, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो कोयला रहता है ना, वो रहता है, वो भी उसमें भी पावर है, मगर क्या, वो जला हुआ जो कोयला रहता है ना, वो आपको आपकी रोटी को पका सकता है। तो आपके जीवन को बदलने के लिए ऐसी बात है, तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं उसका जीवन को मैं बदलता हूँ। आप भी चाहते हैं जीवन को बदलने के लिए, तो पहले क्या होता है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए मैं आपके पास ही हूँ, जैसे आपके जेब में हूँ, जैसे मोबाइल जेब में रहता है, जब भी चाहे आप मुझे सुन सकते हैं। तो मेरी जो चैनल है चिदाकाश ध्यान, उसको आप सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है ऐसे मानता हूँ, आप सबको बोलिए, जितने भी लोग को बोलिए, तो ऐसे जैसे समाचार देते हैं ना, ऐसे बोलिए कि क्या आपने वो चैनल को सब्सक्राइब किया, बोलते नहीं, तो फिर आप बोलिए चलो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरी जो ऐसी एक सीरीज होने वाली है, एक ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक वीडियो डालूंगा, जो आकाशवाणी होगी, तो स्टूडेंट के लिए होगी, फिर हाउसवाइफ के लिए होगी, फिर बिजनेसमैन के लिए होगी, फिर जैसे डॉक्टर्स के लिए होगी। वो आकाशवाणी सुनने से ही आपका जीवन में बदलाव आएगा, मैं चाहता हूँ जीवन बदले। तो चलो अभी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, अस्तु। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो।